हैं। तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों अखिलेश यादव, किरण रेड्डी और अर्जुन मुंडा की साख दांव पर है, तो बिहार से केंद्र सरकार में कद्दावर मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। हैदराबाद में ओवैसी का किला बचेगा या ढह जाएगा, इसका फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। साथ ही आज यूपी की 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि चौथे चरण की खास बातें क्या हैं। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग 2019 में बीजेपी ने इस चरण की 42 सीटें जीती थी। इस फेज की 96 में से 20 सीटें ऐसी हैं जो किसी न किसी पार्टी का गढ़ है। आंध्र प्रदेश की 25 और बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग, झारखंड की 4 और एमपी की 8 सीटों पर वोटिंग है। महाराष्ट्र की 11 और ओडिशा की 4 सीटों पर मतदान किया जाएगा। तेलंगाना की 17 और यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी वोटिंग होगी। चौथे चरण की वोटिंग के साथ साथ आंध्र प्रदेश, एमपी, तेलंगाना में चुनाव पूरा होगा। तो अब जल्दी जल्दी आपको आज की वीआईपी टक्कर भी बता देते हैं। अब आपको सीधे ले चलते हैं हमारे संवाददाताओं के पास। आपको ले चलते हैं कन्नौज, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैदान में हैं। कन्नौज से हमारे शिवेंद्र, उसके पहले हम वीआईपी टक्कर बता देते हैं किस किस की है। रमेश अवस्थी आप देख सकते हैं, कानपुर से देख सकते हैं रमेश अवस्थी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आलोक मिश्रा हट गया, हम वापस आपको वो क्लिप दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल धौरहरा में, यूपी के धौरहरा में रेखा वर्मा है। कन्नौज से हमारे साथ जुड़ेंगे जो हमारे संवाददाता हैं हिमांशु तिवारी, और बताएंगे कि कन्नौज की सीट इतनी खास क्यों है और उसके पीछे के मायने क्या हैं। कानपुर से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करेंगे हमारे और दूसरे संवाददाता समीर सविता, और लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ रतीश शिवम त्रिवेदी यूपी की सभी 13 सीटों का हाल बताएंगे। तो मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगी तृप्ति पासनीस जो महाराष्ट्र की सीटों का अपडेट देंगी। तो सबसे पहले रतीश के पास चलते हैं कि 13 सीटों पर चुनाव है यूपी में। तो रतीश, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल इस फेज में किस तरह का माहौल है, वोटर्स सुस्त दिख रहे हैं या जोश इस बार नजर आ रहा है? सबसे बड़ा फैक्टर देखने को मिला, जिसके बारे में कहा गया कि मौसम की बेरुखी के चलते जो मतदाता है वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है, चौथे चरण का यह चुनाव है, और पिछली बार यानी 2019 में 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास थी। इन 13 की 13 सीटों में एनडीए की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा लगी हुई है। मौसम की बेरुखी आज जिसका जिक्र मैंने किया वो नहीं होने जा रही है, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। यानी मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान आया है उसके तहत इन सभी जगहों पर थोड़ी राहत मिलने जा रही है, यानी मौसम का टॉर्चर, गर्मी का टॉर्चर देखने को नहीं मिलेगा। अब से कुछ देर पहले लखीमपुर खीरी में तेज हवा चली है और जो बंदोबस्त किए गए थे वहां पर टेंट उड़ा है, इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं। तो राहत देने वाली खबर ये है कि मौसम का टॉर्चर आज नहीं देखने को मिलेगा, मतदाता घर से बाहर बड़ी संख्या में निकलकर आ सकते हैं। सुबह से हमने जो देखा है 11.67% मतदान 9 बजे तक हुआ है, लेकिन इन 13 सीटों पर देखा जाए तो वीआईपी कौन कौन से हैं। कन्नौज से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पहुंचे, आज ताल ठोक रहे हैं। उन्नाव से साक्षी महाराज ताल ठोक रहे हैं। अगर लखीमपुर खीरी से बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जिनको लेकर के बड़ा बवाल हुआ था और काफी लंबा विरोध झेलना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होने के नाते भी उनके बेटे का जो कांड हुआ उसके बाद बड़ी बड़ा विवाद हुआ था, इन सबकी प्रतिष्ठा आज गांव पर लगी हुई है। नाव से अनु टंडन है, एक बार सांसद रह चुकी है, इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से साक्षी महाराज को हराने के लिए मैदान में है। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो आज ताल ठोक रहे हैं, वीवीआईपीज हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 13 की 13 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी के खेमे के पास गई थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती काफी बड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती और सबसे रोचक चुनाव अगर देखा जाए तो कन्नौज का हो रहा है, जहां सुब्रत पाठक ताल ठोक रहे थे, कन्नौज में अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे थे और आखिरी दांव ये खेला गया अखिलेश यादव के द्वारा, आखिरी वक्त पर कन्नौज पहुंचते हैं और उसके बाद ताल ठोकते हैं। रतीश, आप बात करें कन्नौज की, तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं कन्नौज से हिमांशु तिवारी, जरा उनसे वहां का हाल ले लेते हैं। हिमांशु, सबसे पहले तो किस तरह का माहौल है, वोटर्स में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ एक तरफ मुलायम सिंह की विरासत और दूसरी तरफ मोदी की गारंटी, क्या किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? बिल्कुल, जिसको बात करें कि जैसा अर्थ भाई ने कि 1999 से लेकर 2019 सपा का शासन काल रहा है, इसके बाद में 2019 में सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव बताया जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं।
उनकी बदली को हटाया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कन्नौज की और बात की तो जनता से लगातार बातचीत की गई है, तो उनका साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि हालांकि जो कन्नौज की जनता है उसका साफ कहना है कि कन्नौज के सांसद को नहीं बल्कि देश हित में प्रधानमंत्री को देखते हुए जनता इस बार वोट कर रही है, जनता से लगातार संवाद कर रहे हैं। ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि विकास हित को लेकर देश राष्ट्र हित को लेकर वोट कर रहे हैं। और कन्नौज से जुड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया था, इसके बाद स्वयं वो नामांकन करने आए थे। इससे हालांकि माहौल काफी गर्म हुआ था, लेकिन वही सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव के बीच में खाते के चक्कर की पिछली बार डिंपल यादव यहां से चुनाव लड़ी थी और बहुत क्लोज टक्कर थी। बाद में विवाद भी हुआ था कि सुब्रत पाठक ने कुछ बेईमानी की है, ऐसे आरोप लगे थे। जो डिंपल यादव हैं वो भी बहुत नाराज हो गए थे, अखिलेश यादव ने भी बहुत बयान दिए थे। इस बार अखिलेश यादव खुद यहाँ पर लड़ रहे हैं, जाहिर सी वजह शायद हो सकता है उससे जुड़ी ही हो, लेकिन जो माहौल है क्या लगता है कि इस बार कुछ इस तरह का कुछ हो सकता है, क्योंकि चुनाव वाले दिन भी वहां पर विवाद हुआ था। बिल्कुल, इसके बाद कहें कि पिछली बार डिंपल यादव जो 12,000 कुछ वोटों से हारे थे, ज्यादा अंतर नहीं था। फिलहाल इस बार अगर बात की जाए तो कांटे की टक्कर है, क्योंकि अखिलेश यादव ने नामांकन की जो तारीख थी और नामांकन की जो गुफा थी तत्काल रूप से की थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने तेज प्रताप यादव की लड़ने की बात कही थी। हालांकि इससे उनके जो समर्थक थे समाजवादी पार्टी के वो काफी खुश थे, लेकिन इस बार बात अगर की जनता जिस तरह संवाद लगातार कर रहे हैं, जनता लगातार बातचीत कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, उनका साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्र हित में मोदी को वो वोट कर रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुब्रत पाठक के बीच में खाते की टक्कर, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल जो है वो दोनों पक्षों का बराबर नजर आ रहा है। जी अभी हम आपको दिखाते हैं, बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने भी वोट डाला और क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। नहीं देखो, बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि देश की जनता एक बार फिर से प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री चुनने जा रही है, और मुझे साफ नीचे जमीन पर दिखाई पड़ा है। नहीं देखो, राहुल गांधी भाग खड़े हुए पूरे देश से कहते घूमते थे डरना नहीं, खुद डर गए चले गए, और अखिलेश जी तो चलो कम से कम डरते डरते सही आ तो गए लड़ने। देखो इनके लोग जा जाकर मुस्लिम बाहुल्य बस्तियों में इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि चूंकि मुसलमान बसपा को वोट देने को तैयार नहीं है, तो बसपा को वोट क्यों नहीं दे रहा है, तो उसका कारण ही है अखिलेश यादव को जिताओ, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो यहाँ राम मंदिर में ताला लटकवा देंगे। तो इस तरीके की एक बात कही गई है। और दूसरा, जो धर्म के नाम पर आरक्षण देना जो कांग्रेस का है, तो वो भी एक गोपनीय एजेंडा समाजवादी पार्टी का भी कहीं कह रहा है। तो रतीश, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, अभी आपने सुब्रत पाठक को बोलते हुए सुना। सुब्रत पाठक ही पहले तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उसके बाद जब अखिलेश यादव मैदान में आए तो उन्होंने बोला कि अब इंडिया पाकिस्तान की तरह ये मैच होगा, वरना पहले तो इंडिया और नेपाल का मैच था। तो आप किस तरह का मिजाज देख रहे हैं वहाँ का, कन्नौज के लोगों का? जैसा मैंने पूछा पहले भी कि मुलायम सिंह की विरासत या मोदी की गारंटी, आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी है? देखिए, पहले तेज प्रताप यादव को उतार करके एक टेस्ट किया गया था कि तेज प्रताप यादव को लेकर के कन्नौज की जनता क्या सोचती है, लेकिन उसके बाद जब देखा और कन्नौज की जो जिला इकाई थी समाजवादी पार्टी की, वो जब अखिलेश यादव के दरवाजे पर जोरदारी से पहुंच गई और ये कहा गया कि कन्नौज की सीट हम लूज कर जाएंगे, तो उसके बाद अखिलेश यादव ने खुद तय किया कि वो वहां से प्रत्याशा अपनी दर्ज कराएंगे। इसके बाद अखिलेश यादव को लेकर के सुब्रत पाठक की जो बातें थी और जो बयान आ रहे थे, भाग खड़े होने वाले बयान थे, वो एकदम से बंद हो जाते हैं और उसके बाद तमाम आरोपों की झड़ी लगा दी जाती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करने लगते हैं सुब्रत पाठक, और सबसे ज्यादा रोचक उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी को एक लेटर लिखा, आतंकी गतिविधियों की बात कही और ये कहा कि ऐसे मुस्लिम बाहुल इलाकों में ऐसे लोग आ गए हैं जो इससे पहले उन इलाकों में देखे नहीं गए हैं। ये बहुत बड़ा और बहुत संगीन आरोप था जो सुब्रत पाठक ने लगाया, और पूरी तरीके से अगर देखा जाए इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जो इस तरह की चिट्ठी आई या इस तरह के जो बयान आए, वो साफ इशारा करते हैं कि सुब्रत पाठक के लिए ये सीट इतनी आसान नहीं रही। इससे पहले डिंपल यादव के साथ भी बहुत कम मार्जिन से जीते थे, और अब अखिलेश यादव खुद खड़े हुए हैं जिनका कद जाहिर सी बात है सुब्रत पाठक से काफ़ी बड़ा है। तो वहाँ पर जो पिछले 5 साल में सुब्रत पाठक ने किया वो ज़्यादा भारी आपको दिखता है, या फिर अब जो है जो कद है, नेता का कद है, उसके आधार पर चुनाव होता हुआ दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, नेता का कद बहुत बड़ा है, अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक का अगर कंपैरिजन किया जाए तो कोई कंपैरिजन फिलहाल दिखता नहीं है। बस सुब्रत पाठक पिछले 5 साल से कन्नौज के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की जो विरासत की बात की जा रही है, मुलायम सिंह यादव की विरासत की जो बात की जा रही है, और कन्नौज ही वो पहली जगह है जहां से वो पहली बार सदन में पहुंचे थे 2009 में, तो अखिलेश यादव का एक जुड़ाव भी है। जब वो पहली बार कन्नौज में पहुंचे अपने नामांकन के बाद, तो उसके बाद भी उन्होंने यही कहा कि कन्नौज से मेरा पहले से जुड़ाव रहा है और यहां से मैं पहली बार पहुंचा था सदन में।
नेताओं की अगर बात की जाए, जो सवाल आपने किया कि कद की बात की जाए, तो अखिलेश यादव का कद बहुत बड़ा है और अखिलेश यादव जैसे ही कन्नौज पहुंचे, यानी उनकी प्रत्याशिता जैसे ही सामने आई कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी ताल ठोकने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी हो चाहे उनके सहयोगी दल हो, उनमें अजब सा उत्साह देखने को मिल गया। कन्नौज की सीट बहुत ज्यादा टफ बीजेपी के लिए आज की डेट में कही जा रही है, आज के समय में कही जा रही है, और बहुत बड़ी बात नहीं कि कन्नौज सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से निकल जाए। इसमें ऐसे जानकार, जो बहुत सारे जानकारों से हमारी बात हुई है, बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों से बात हुई है, उनका यही कहना है, और शायद इसीलिए खास बात यह कि इस बार बड़ा स्ट्रेटेजिकली समाजवादी पार्टी ने भी खेला है, बड़ा सस्पेंस बनाए रखी और अचानक से अखिलेश यादव के मैदान में आना। कई सीटों पर अखिलेश यादव ने ऐसा किया क्योंकि उनको पता था कि बीजेपी हर उस कैंडिडेट के सामने मजबूत कैंडिडेट खड़ा करेगी जो ये लोग पहले से डिक्लेयर कर देंगे। इसीलिए कई सीटें देखिए आप, चाहे वो शिवपाल की सीट हो, भले पीछे की रणनीति कुछ और दिख रही हो, लेकिन चाहे वो शिवपाल की सीट हो, चाहे यहाँ तेज प्रताप को लाने की बात हो, चाहे वो मेरठ की बात हो या और दूसरे जिलों की बात हो, आखिरी मोमेंट पे चेंज किए गए जो नेता थे वहाँ पर उम्मीदवार थे, और साथ ही साथ ये तो एकदम ही गुप्त रखा गया, तेज प्रताप को उतार करके ट्रायल किया गया, और उसके बाद पहले ये था कि अखिलेश लड़ेंगे नहीं फिर लड़े, तो ये एक रणनीति का एक नया तरीका है जो शायद समाजवादी पार्टी ने इस बार इस्तेमाल किया है। चलिए अब इसके बाद हम रुख करते हैं कानपुर का, पहले आपको सुनाते हैं कांग्रेस उम्मीदवार आलोक मिश्रा ने भी वोट डाला और क्या कहा उन्होंने वोट डालने के बाद, उसके बाद चर्चा करेंगे। कानपुर में मतदान शुरू हो चुका है, हमारे साथ गठबंधन के प्रत्याशी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आलोक मिश्रा जी मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। आलोक जी, मतदान शुरू हो चुका है, 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज भी आ गया है, क्या लगता है किस तरह से मतदान शुरू हुआ है? क्या देखिए, एक तो ये पर्व है प्रजातंत्र का, और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दें ये तो मैं अपील कर रहा हूँ, और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दें इंडिया गठबंधन को, पहला नंबर हाथ का पंजा। और दूसरी बात यह है कि जिस हिसाब से वोटिंग बढ़ रही है, लग रहा है जनाक्रोश है, जनाक्रोश वर्तमान सरकार के खिलाफ है ऐसा दिख रहा है। ईवीएम में खराबी की कुछ सूचनाएं आई हैं कई जगह से, उसको लेकर के क्या आपने अभी शिकायत की है क्या? जहां जहां हमारे एजेंट हैं वो उस पर काम कर रहे हैं और शिकायत हो रही है, और मेरी मांग है कि जितनी देर वोटिंग डिले हुई है तो उतना एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए उस जहां भी मशीन खराब हुई है। कई मतदान केंद्रों में ये देखा गया है कि शिकायतें मिली हैं कि वहां पर जो लोग प्रशासन के लोग हैं उनसे ठीक से पेश नहीं आ रहे हैं, जो मतदान करने लोग आ रहे हैं उसकी शिकायतें, आपके पास भी कई फोन आए जहां पर मैं मौजूद था, जैसे मुस्लिम इलाके में मैं था, तो उसके लिए आप क्या किसी से शिकायत कर रहे हैं उसके लिए जहां पर लोग? शिकायत करने से हम भी जनता के सेवक हैं, और जो वहां पर सरकारी कर्मचारी हैं चाहे वो पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो भी जनता के सेवक हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका परम उद्देश्य जनता की सेवा है। और मैं अपील करता हूं और यहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूं कि सबसे अच्छे से पेश आए। 16 लाख से अधिक मतदाता हैं और 16 लाख से अधिक मतदाताओं में जो है मुस्लिम मतदाता जो है काफी निर्णायक है, उसके साथ ही स्वर्ण जो मतदाता है वो भी निर्णायक है, क्या लगता है आपको किस तरह से समीकरण घूम रहा है कानपुर लोकसभा? एक एक मतदाता निर्णायक है, मैं किसी वर्ग विशेष। तो सीधा हम चलते हैं अपने संवाददाता संदीप सविता के पास, उनसे जानते हैं वहां का हाल। सबसे पहले संदीप, तो वहां का जरा माहौल बताइए, किस तरह का माहौल है, कितनी संख्या में लोग आपको दिख रहे हैं, क्या वोटर्स घर से बाहर निकल रहे हैं कि नहीं? पहले ही वहां पर लोग मतदान के लिए पहुंच चुके थे, जिस तरह से वहां पर लंबी लाइनें लग चुकी थी, लेकिन अगर बात की जाए मुस्लिम मतदाताओं की तो वहां पर कुछ ज्यादा ही जो है मतदाताओं को लेकर के जो है रुचि दिखाई दी, खास करके मुस्लिम महिलाएं जो है बड़ी तादाद में तकरीबन 8 बजे से ही लंबी कतारों में दिखाई दी और मतदान करते हुए नजर आए। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक आया है इससे अभी तक जो तकरीबन 9% के आसपास पहुंचा है, जिससे जो है काफी अभी निराशा है लोगों में कि अभी मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा है, क्योंकि पिछले बार भी कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में केवल 51% जो है मतदान हुआ था, जिसको लेकर काफी प्रयास किया गया, प्रशासन ने काफी प्रयास किया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और लेकिन अगर बात की जाए कि अन्य इलाकों में अभी मतदान उस तरह का नहीं हुआ है, अकबरपुर की बात की जाए, अकबरपुर लोकसभा की बात की जाए तो वहां पर भी जो है मतदान काफी तेजी से हुआ है, क्योंकि 9 बजे तक वहां पर 12% मतदान हो चुका था और वहां पर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं मतदान केंद्रों के बाहर। जी अगर कानपुर की बात करें तो पहले कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन पिछले 10 साल से बीजेपी ने यहां पर अपनी मजबूत पकड़ कर ली है, इस पकड़ को ढीला करने के लिए पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन भी हुआ लेकिन नाकामयाब रहे, इस बार क्या स्थिति लग रही है? एक और चीज संदीप मैं बीच में जोड़ना चाहूंगा, इस बार जो बीजेपी से वहां पर कैंडिडेट हैं वो सीजन नेता नहीं है, पत्रकार हैं, और रमेश अवस्थी जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं उनको टिकट एन मौके पर दिया गया
और ये माना गया कि जो चुनाव हो रहा है वो मोदी के चेहरे पर हो रहा है, तो क्या वहां माहौल मोदी के चेहरे वाला ही है या फिर बीजेपी का जो नेता जाता है उसके कद को भी है, क्योंकि ये बहुत कुछ इक्वेशन भी तय करेगा। जी शिवन जी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब प्रत्याशी का ऐलान हुआ यहाँ पर रमेश अवस्थी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, तो उसके बाद लगातार यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं में बातचीत होती रही, विरोध होता रहा, अंदर मीटिंग होती रही, उसके बाद जब सामने ये बात आई, बजरंग दल के जो राष्ट्रीय संयोजक है और भारतीय जनता पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, पत्र में ये शिकायत की कि जो प्रत्याशी है उसको लेकर के कार्यकर्ता खुश नहीं है, इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। काफी हो हल्ला हुआ, उसके बाद भी प्रत्याशी नहीं बदला हुआ। हालांकि रमेश अवस्थी को लेकर के फिर उसके बाद जो राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल के हैं प्रकाश शर्मा, उन्होंने खुद नामांकन पत्र खरीद लिया, उसके बाद संघ के कई बड़े लोगों ने जाकर उनको घर पर जाके मनाया, उसके बाद उन्होंने नामांकन नहीं कराया। तो कहीं ना कहीं रमेश अवस्थी को जब यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया उसके बाद से लगातार वो चर्चाओं में रहे। उसके बाद जब वो पहली बार कानपुर पहुंचे थे तो रमेश अवस्थी को कार्यकर्ता जानते भी नहीं थे, उनकी जगह किसी और को माला पहना दिया गया था, वो भी काफी चर्चाओं में रहा और सोशल मीडिया में वायरल रहा। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर मोदी की रोड शो होने के बाद से मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल निशान को देखकर चुनाव माना जा रहा है। रमेश अवस्थी क्योंकि पत्रकार थे और उसके बाद उनको एक कार्यकर्ता के रूप में भी कोई नहीं जानता था, उसके बाद उन्हें डायरेक्ट टिकट दिया जाना कहीं ना कहीं जो एक कार्यकर्ताओं को ये बात हजम नहीं हुई थी। अगर आलोक मिश्रा की बात की जाए तो आलोक मिश्रा यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आलोक मिश्रा की बात की जाए तो आलोक मिश्रा को लेकर के जो ग्राउंड जीरो पर जाके मैंने रिपोर्टिंग की, मुस्लिम इलाकों में गया, मुस्लिम इलाकों में खासकर उनसे नाराजगी थी क्योंकि वो उन इलाकों में नहीं गए थे। तो अब देखना होगा कि जब नतीजे सामने आएंगे वोटिंग के बाद तभी मामला सामने होगा। जी शिवेंद्र, शिवेंद्र आपको दिखाते हैं किस तरह से वोटिंग के प्रति जागरूक हैं लोग। एक प्रेग्नेंट लेडी आप देख सकते हैं, गर्भवती महिला है, वो वोट डालने पहुंची है, तो आप ये विजुअल देख सकते हैं कानपुर से। उधर विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने भी वोट डाला है, आपको उसके भी विजुअल्स दिखाते हैं। और दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है वोट डालने के बाद। आज देश का मूड इस देश की प्रगति के लिए है। विगत 10 वर्षों के अंतर्गत जो देश ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है, भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का, विकास का, विश्वास का। भारत जो विश्व गुरु के स्थान के ऊपर स्थापित था, दुर्भाग्य से पीछे होता चला जा रहा था, उस ओर फिर आगे बढ़ने का एक संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, जो 10 वर्षों के अंतर्गत विकास नजर आया है, जो 10 सालों के अंतर्गत गरीब की चिंता होती हुई नजर आई है, जो 10 सालों तक महिलाओं की सुरक्षा होती नजर आई है, जो 10 साल तक नौजवानों को एक नया विजन होता हुआ देख कर आया, तो उसके लिए मतदान है। केवल ये 5 वर्ष के लिए मतदान नहीं है, ये भारत के आने में वाले भविष्य के लिए मतदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 में हमारा भारत कैसा होगा, जिस समय देश की आज़ादी के हम 100वां साल मना रहे होंगे, आज के नौजवान का उसमें पसीना होगा, उसके विचारों की कलाकृतियाँ होंगी, उसकी मेहनत का रंग लाएगी जो 100 सालों में। तो आज का वोट भारत के भविष्य के लिए है। तो वापस हम रतीश के पास चलते हैं, क्योंकि कानपुर की बात करें तो जरा वहां का माहौल उनसे भी समझते हैं। रतीश, बीजेपी का मजबूत किला बन गया है यहां पर, और इस किले को भेदने के लिए जैसा हमने बताया कि सपा बसपा का गठबंधन भी हुआ 2019 में, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और इस सीट की बड़ी खास बात है, ऐसा कहा जाता है कि जो जिस पार्टी का प्रत्याशी यहां से जीत दर्ज करता है उसी की सरकार बनती है केंद्र में। आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं यहां पर? बिल्कुल देखिए, ठीक कहा आपने। कानपुर में एक फैक्ट सबसे ज्यादा देखा गया है आज तक कि या तो कांग्रेस जीती है या फिर बीजेपी जीती आई है। पिछले कई चुनाव से ये रिकॉर्ड देखते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद सत्यदेव पचौरी हैं, अब रमेश अवस्थी वहां से टिकट पाए हैं। इनसे पहले मुरली मनोहर जोशी आए थे, वो उन्होंने भी जीत करी थी, दर्ज की थी। और उससे पहले अगर देखा जाए तो श्रीप्रकाश जायसवाल जो केंद्र में मंत्री रहे, यूपीए की दो टर्म की सरकार में दोनों में वो मंत्री रहे थे। या तो कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है या फिर भारतीय जनता पार्टी का। और इसीलिए कानपुर की सीट गठबंधन में कांग्रेस को ना देकर, कांग्रेस को देकर के समाजवादी पार्टी ने नहीं दी। पहले चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी के विधायक है अमिताभ वाजपेयी, उनको यहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के विधायक है और समाजवादी पार्टी का कभी भी इतिहास नहीं रहा कानपुर से जीतने का।
अब वर्तमान की स्थितियों की बात करते हैं तो कांग्रेस के जो आलोक मिश्रा हैं उनकी छवि कुछ इस तरीके की रही है कि तो उनके कई स्कूल्स हैं और वो उद्योगपति हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। कानपुर में पिछले कई चुनाव में देखा गया है कि ब्राह्मण सीट मानी जाती है, ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती है। तीन विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के पास है, लेकिन दो विधानसभा क्षेत्र जो भारतीय जनता पार्टी के पास है वहां पर ब्राह्मणों का बाहुल है और ब्राह्मण जिस तरफ जाता है वही प्रत्याशी जीतता है, इसीलिए शायद दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण सीट है जहां पर बीजेपी को अच्छी जीत मिलती है और बहुत अच्छे नेता वहां के हैं। अभी आपने बहुत सारे नेताओं के नाम भी गिनाए लेकिन अचानक से रमेश अवस्थी का जब नाम आया उससे पहले कई ऐसे नाम चल रहे थे जो कि इससे ज़्यादा बेहतर हो सकते थे जनता के लिहाज से, जनता जानती थी उनको, चाहे वो मालिनी अवस्थी हो उनका भी नाम चल रहा था, इसके अलावा और भी बहुत से नेता हों उनका नाम चल रहा था, लेकिन ये अचानक से जो बदलाव हुआ क्या देखते हैं, क्यों ऐसा, क्या रणनीति का क्या हिस्सा हो सकता है ये? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि नाम कई सारे चल रहे थे। अगर नामों की बात की जाए तो सबसे ऊपर नाम था वर्तमान सांसद सत्यदेव पचौरी का। सत्यदेव पचौरी पिछली बार जीते थे, ठीक ठाक मतों से जीते थे। इनके अलावा उनके जो धुर विरोधी माने जाते हैं सतीश माना जी की अभी कुछ देर पहले हमने बाइक सुनाई, यूपी के विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश माना भी जुगत पर थे कि उनको भी टिकट मिल जाए। सत्यदेव पचौरी भी चाह रहे थे कि उनको एक बार और टिकट मिल जाए लेकिन उम्र का हवाला देकर सत्यदेव पचौरी को टिकट नहीं मिला और उनसे टिकट के अनाउंसमेंट से पहले एक पत्र लिखवा लिया गया। सत्यदेव पचौरी ने टिकट ना देने का अनुरोध किया था पार्टी नेतृत्व से। सतीश माना, ये माना जा रहा था जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी कानपुर में कि दोनों ही विरोधी खेमों के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। 2014 से अगर बात की जाए तो बांदा लोकसभा क्षेत्र जो है वहां से रमेश अवस्थी टिकट पाने की जुगत में थे 2014-2019, लेकिन तब दोनों ही बार रमेश अवस्थी को टिकट नहीं मिला। तो 2019 के बाद 2024 में वो मौका आया जब उन्हें बांदा से ना लड़ा करके कानपुर लाया गया, चूंकि रमेश अवस्थी भी ब्राह्मण है और ब्राह्मण बाहुल्य सीट से उनको, और सेफ सीट भी कही जाती है कानपुर के लिए, कानपुर की सीट बीजेपी के लिए, तो यहां से उनको लाया गया। लेकिन इसके पीछे की अगर कहानी की बात की जाए तो अमित शाह से डायरेक्ट पहुंच होना रमेश अवस्थी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जैसा कि जानकार बताते हैं कि वहां तक दिल्ली दरबार में अमित शाह के दरबार में रमेश अवस्थी तक रमेश अवस्थी की पहुंच हुई और जब पार्टी नेतृत्व को इस तरीके की रिपोर्ट्स ग्राउंड लेवल से भी मिली और वहां दिल्ली से भी मिली, ये दोनों ही खेमों में, यानी सत्यदेव पचौरी को टिकट दिया गया तो महाना कैंप गड़बड़ी कर सकता है और महाना को अगर टिकट दिया गया तो सत्यदेव पचौरी कैंप गड़बड़ कर सकता है, इससे पार्टी का नुकसान हो सकता है। ऐसे में दोनों ही धड़ों को किनारे करके किसी तीसरे व्यक्ति को लाया गया। रमेश अवस्थी की पहुंच शाह दरबार में थी और हमें यह भी जानता है कि रमेश अवस्थी की तमाम ऐसी जानकारियां थी जो अमित शाह तक सीधे पहुंचती थी और संगठन और जो बीजेपी की पार्टी के लोग हैं उनके बारे में जो राय बनी ऊपरी अधिकारियों की या समझ लीजिए संगठन के लोगों की, वो भी इन तमाम रिपोर्टों के आधार पर बनी, यानी करीबी आखिर में काम आई और टिकट मिला। अब ये टिकट कितना अच्छा रिजल्ट लाता है ये तो देखने की बात होगी। अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं कानपुर के बाद महाराष्ट्र, जहां पर हमारी संवाददाता तृप्ति मौजूद है। तृप्ति, कौन कौन से दिग्गज हैं मैदान में? मुक्ता जी, आज पूना का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। वहां पर भी आप किस तरह का माहौल देख रही हैं? पिछली बार जैसे वोटर्स में सुस्ती दिख रही थी, इस बार किस तरह का हाल है? आज सबसे बड़ी बात, आज मौसम थोड़ा बहुत लोगों के ऊपर मेहरबान है। आज सुबह से लोगों ने पूरी बाहर निकल के वोट डालने का ठान लिया है। सुबह से बहुत ज्यादा गर्दी और बहुत ज्यादा रश दिख रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूना के जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, रविंद्र धंगेकर और मुरलीधर मोहन, ये सबसे बड़ी लड़त मानी जा रही है। अभी रविंद्र धंगेकर अपने बाइक के ऊपर बाहर निकल के उन्होंने भगवान गणेश जी का दर्शन लिया है और उनके पास से अभी उन्होंने पूरा वोट डालने की तैयारी में है। बहुत बड़ी रैली निकल चुकी है। वही दोपहर को अभी मुरलीधर मोहन निकलेंगे, ये सबसे बड़ी लड़त मानी जा रही है। पूना का और एक पूना की और एक खासियत यह है कि पूना को एक जो पार्ट है, आधा पार्ट बारावती के हिस्से में आता है, जिनका वोटिंग 7 मई को हो चुका है, तो इसके लिए ये बहुत बड़ी जगह पे जो वोटिंग होगा ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद आके मुरलीधर मोहन जी को सपोर्ट किया है, तो बीजेपी का बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान रहा है, तो अभी बीजेपी तो लग रहा है। लेकिन बीड सीट एक इम्पोर्टेंट सीट है, वहां पर पंकजा मुंडे वहां से लड़ रही है, बीजेपी उम्मीदवार है। 2009 से बीड भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है लेकिन पिछली बार जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, इस बार किस तरह का हाल है, किस तरह का माहौल है?
सबसे बड़ी बात, पंकजा मुंडे जी को लड़ने के लिए पॉसिबिलिटी मिलती है कि नहीं, ये सबसे बहुत बड़ा क्वेश्चन वहां पे रहा था। अभी आज सुबह ही पंकजा मुंडे जी की जो मम्मी है प्रज्ञा जी, उन्होंने उनका ऑक्शन करके, जिनको हम लोग मराठी में ऑक्शन बोलते हैं, वो करके उनको अभी वो वोटिंग के लिए निकली है। लोगों को वहां पे भीड़ में बहुत बड़ा विश्वास है कि इस बार पंकजा मुंडे जी आएंगी, क्योंकि उनके ऊपर गोपीनाथ मुंडे जी का वरदान है, ऐसा लोगों को लग रहा है। तो भीड़ में पंकजा मुंडे की आने की संभावना ज्यादा लग रही है। हमारे साथ बने रही क्योंकि पंकजा मुंडे वोट देने के लिए पहुंच चुकी हैं, हम वो विजुअल्स भी दिखाएंगे, साथ ही उन्होंने क्या कहा है ये भी सुनाएंगे। इम्पॉर्टेंट दिन है, बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, बहुत लोगों का भविष्य मतपेटी में आज बंद होने वाला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं सबसे यही विनती करूंगी कि बहुत ज्यादा मतदान आप करें, ज्यादा बाहर आए, थोड़ा सा कष्ट ले पर मतदान जरूर करें। देश के लिए कष्ट करने के लिए एक उंगली दबाना इतना ही काम हमें करना है, बाकी सब फौज लड़ रही है, बर्फ में खड़ी होती है, धूप में खड़ी होती है। तो हम मतदान करेंगे तो अच्छे मतदाता जब बाहर आएंगे तो अच्छे लोग चुन के। तो तृप्ति आपने सुना पंकजा क्या कह रही हैं, काफी पॉजिटिव दिख रही हैं। अच्छा अगर आप देखिए इस बार तो बीजेपी के जो एलाइज हैं अजीत पवार और शिंदे ग्रुप, उनकी बड़ी परीक्षा है इस बार। सबसे बड़ी बात, अजीत पवार जी को उन्होंने युति में लिया है तो लोगों में बहुत संभ्रम था, क्योंकि जो पहले बार एक पिछली लोकसभा इलेक्शन में हुआ था, सुबह 5 बजे जो अजीत पवार जी का शपथ विधि हुआ, उसके बाद वो वापस एनसीपी में गए, तो लोगों में वे बहुत बड़ी निराशा थी। लेकिन इस बार लोगों को ऐसे लग रहा है अजित पवार पूरे तन मन से वो युति में दाखिल हुए हैं, तो उन लोगों को उनका भी सपोर्ट, आई मीन बीजेपी को और महायुति को उनका सपोर्ट मिल सकता है। वही सुनेत्रा पवार और जो सुप्रिया सुले की लड़त थी उसमें अजित पवार ने सुनेत्रा जी को बहुत बड़ा सपोर्ट किया है, वो भी वहां पे आ सकता है। तो अजित पवार जी आज जो भी वोटिंग और ये सब सभा में बोल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पे वो वोटों के लिए बीजेपी को जो 400 का आंकड़ा पार करना है उसके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और दूसरी बात वही शिरूर का जो है, शिरूर में अमोल कोल्हे जो अभी वोट डालने के लिए गए हैं, तो अमोल कोल्हे जी का जो मतदार संघ है वो शिरूर में बहुत बड़ा मतदार संघ है। अमोल कोल्हे एक एक्टर के रूप में पहले लोगों के सामने आए थे, उसके बाद वो शिवसेना में थे, फिर वो राष्ट्रवादी में गए थे, तो लोगों को उन्होंने कल ही एक सभा में अपील किया था कि अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं 5 साल एक्टिंग नहीं करूंगा। लोगों को ये बात कितनी जस्ती है, ये लोगों में संभ्रम फिर से दिख रहा है, क्योंकि लोगों को का मानना है वो पूरी हिस्टोरिकल भूमिकाएं बनाते हैं, तो इसके लिए वो भूमिकाएं उनको सपोर्ट करती है या उनका काम उनको सपोर्ट करता है, ये देखने के लिए लोग बहुत उत्सुक है। चलिए तो महाराष्ट्र के बाद शिवेंद्र अब रुख करते हैं हैदराबाद का, जहां पर ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता दोनों ही पहुंचे वोट देने के लिए। आपको दिखाते हैं, सीधा हैदराबाद लिए चलते हैं, वहां पर विजुअल्स दिखाते हैं। तो तेलंगाना राज्य के 17 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक आप देख रहे हैं हैदराबाद में ओवैसी पहुंचे हैं, हुए हैं वोट डालने के लिए। सबसे सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको भारत की जमहूरियत में, लोकतंत्र में भरोसा है और आप भारत से मोहब्बत करते हैं और आप भारत को ताकतवर रूप में देखना चाहते हैं, आप भारत को ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जहां पर गरीबों की सीटों पर चुनाव है, ओवैसी की सीट इस बार फंसी है, 40 साल से ओवैसी के परिवार का कब्जा है यहाँ पर, नौजवानों को रोजगार मिले, आप सब लोग साथ ही माधवी लता ने भी वोट डाला है, आपको दिखाते हैं। बहनों आपका एक जिम्मेदार कदम हमारे पूरा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट को ही नहीं, पूरा तेलंगाना को और देश को और आगे लेके जाने का एक हिम्मत दे देगा। तेलंगाना में और हैदराबाद में तो कई सालों से जो बदलाव नहीं है, जो तरक्की नहीं है वो देगा और पूरा देश को 5वां नंबर से नंबर 1 अव्वल नंबर पे आर्थिक स्वरूप में लेके जाने का एक और एक मौका।
तो शिवेंद्र, माधवी लता एक सरप्राइज एलिमेंट थी, किसी को इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि माधवी लता को उम्मीदवार बनाया जाएगा। 40 साल से यहाँ की सुरक्षित सीट है ओबीसी के लिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि माधवी लता ने इस बार इसको अटका दिया है? जी बिल्कुल, देखिए आखिरी वक्त में जो जिस तरह की तमाम बयानबाजी आई, चाहे ओबीसी की तरफ से आई या फिर माधवी लता की तरफ से आई या जो पार्टीज के बीच में आई, उसने बहुत इक्वेशन बदल दी। और जो ओबीसी के भाई ने भी बयानबाजी की और उस बयानबाजी के बाद जो माहौल बनना शुरू हुआ, एक तरीके से पोलराइज होने लगा पूरा मामला, और ये बहुत असर डालने वाला है। क्योंकि यही पर्पज रहता है, यही उद्देश्य रहता है, रणनीति का हिस्सा रहता है नेताओं का कि कुछ ऐसा माहौल पैदा कर दें जिसकी वजह से उनके वोटर्स जो हैं वो लामबंद हो जाए, और यही कुछ हुआ है। और ऐसे में अगर ओबीसी के जो कोर वोटर हैं उनके साथ नहीं आते तो उसका जाहिर सी बात है नुकसान होगा। और शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब कहा जा रहा है कि ओबीसी की सीट फंस सकती है, जबकि माधवी लता कोई बहुत पुरानी और बहुत सीजन नेता नहीं है। लेकिन सबसे खास बात है कि हिंदू मुसलमान दोनों में ही बड़ी पॉपुलर हैं वो, और उससे भी ज्यादा शिवेंद्र की अपने ओबीसी अपने फायर ब्रांड स्पीच के लिए जाने जाते हैं, उनको टक्कर में जवाब देने वाली माधवी लता बिल्कुल पहली बार कोई टक्कर का मिला। जी बिल्कुल, दो वक्ताओं की समझ लीजिए लड़ाई है, और जो आदर्शों और जो पूरी पूरी आइडियोलॉजी की वो बात है वो तो अलग है, जो लगातार नेता करते हैं, लेकिन चुनाव में सारी आइडियोलॉजी चली जाती है। उसके बावजूद भी जो दोनों के बीच में जो बातों में जो बहस हो रही है उसने जरूर माहौल ऐसा पैदा कर दिया है कि ये उलझन मतदाताओं के बीच में पैदा हो जाए कि आखिरकार किसको चुने। ओबीसी को हमेशा बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, लेकिन अभी आप देखिए अमित शाह ने भी वहां पे रैली की, प्रचार किया, तो उन्होंने कहा कि ओबीसी की लीज इस बार खत्म हो रही है, अभी तक वो लीज पे थे, अब इस बार उनकी लीज खत्म हो रही है। बिल्कुल, देखिए हो सकता है कि ये पर्दे के पीछे के जो खेल होते हैं उसमें क्या होता है कि एक दूसरे को टक्कर देते हैं सामने से, लेकिन पीछे से कुछ सेटिंग होती है जिसके बारे में कहा जाता है। जैसे यूपी में बहुत बहुत ज्यादा चर्चा इस बात की है कि मायावती बीजेपी के लिए ही काम कर रही, बहुत सारे ऐसे एक्शन ऐसे कदम उठाए उन्होंने, और ऐसे ही ओबीसी के बारे में कहा जाता कि मुस्लिम वोटर्स को पोलराइज करने के लिए वो इस तरह के बयान देते हैं ताकि वो जो अलग अलग जगहों पर जाता था वो न जाए। और ये जो अमित शाह की ये बात है कि लीज खत्म हो रही है, यानी कहीं ये भी इशारा हो सकता है कि अब इस बार उनको वो मौका नहीं दिया जाएगा जो हमारे लिए करते रहे थे। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये सीट जो बहुत महत्वपूर्ण है, सालों साल से वो ऐसी परिवार के पास थी, वो फंस जरूर रही है। अगर आप देखिए ये हैदराबाद की अगर हम बात करें तो ये भारत के सर्वाधिक विकसित शहरों में से एक है, आपको क्या लगता है इस बार यहाँ पर कौन सा मुद्दा हावी रहेगा? देखिए बाकी चाहे मुद्दे किसी भी समय कोई भी हावी रहते हों, लेकिन अभी जो माहौल है वो पूरा का पूरा हिंदू और मुसलमान ही हो चुका है। उसकी वजह यह है कि जो फायर ब्रांड नेता ओवैसी हैं और चाहे माधवी लता हों, दोनों का ही हित इसमें है। जबकि हैदराबाद की और भी समस्याएं हो सकती हैं, हेरिटेज वैल्यू है वहाँ की, वहाँ डेवलपमेंट की भी बात हो सकती है, वहाँ एजुकेशन की भी बात हो सकती है, मुस्लिम मतदाता बहुत ज़्यादा है, उनकी जो अपलिफ्टमेंट की बात है वो हो सकती है, लेकिन उन सबसे अलग बात इसी की हो रही है। और इसी में इन लोगों का फायदा है, क्योंकि जब तक ये पोलराइज नहीं कर पाएंगे वहाँ पर वोटों का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो ये जो पूरा माहौल है वो यही दर्शाता है कि बात और मुद्दे यही हो गए हैं। चलिए इस पर हम वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल हम दिखाते हैं तेलुगु के स्टार जिनकी बड़ी अपील रहती है लोगों के बीच में, अल्लू अर्जुन पहुंचे हुए हैं वोट देने के लिए, सुनाते हैं उनका क्या कहना है। Please cast your vote. It's a very responsible day for us, as all of us, you know, for the citizens of this country. I know it's quite hot, but let's put that little effort, because today is the most crucial day for the next future, for the next few 5 years of our life. Please cast your vote and please vote responsibly. Thank you. जीवी भी पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए, देखिए आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। Like to say, I mean, every time I've been telling, this time also, the new emerging waters are coming up. So I do request them, make use of your power of vote. So vote anadi mana hakke kadu, vote vinyoginchukovadam mana badhyata. That's it. Junior NTR bhi pahunche hain. Celebrities ne apna matdan kiya hai. Everybody has to use the right of their vote. I think it's a good message which we need to pass on to the coming generations. तो ये सभी यही कहना चाहते हैं कि वोट जरूर डालिए, चाहे कितनी भी गर्मी हो घर से निकलिए और मतदान करिए। जैसा कि पिछली बार शिवेंद्र ने भी कहा था कि आपको ये अफसोस न रह जाए 5 साल की, अगर मैंने वोट डाला रहता तो शायद अपने मन का उम्मीदवार हम चुन पाते। बिल्कुल, किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में, किसी भी मुश्किल में आपको वोट जरूर डालना चाहिए, ताकि वो आपको पता रहे कि आपने जिसको चुना है वो जीता है कि नहीं, और अपनी मर्जी आप बता सकें पूरी जनता के सामने, दुनिया के सामने, कि आप जिसको चाहते हैं उसकी सरकार बने।
शिवेंद्र, अभी हम लोग हैदराबाद की बात करते हैं, इस बार कहीं ना कहीं ओवैसी को भी एक खतरा तो लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखिए माधवी लता सामाजिक कार्यकर्ता भी रही हैं और जैसे हमने पहले भी कहा हिंदू मुस्लिम दोनों में ही पॉपुलर हैं, जब तीन तलाक की बात हुई थी तो उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को उससे निकाला था, तो उनकी पॉपुलैरिटी जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ओवैसी को भी इस बार समझ में आ रहा है कि इतना आसान नहीं होगा। देखिए बिल्कुल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माधवी लता के पक्ष में काम करते हैं, जबकि वो बड़ी नेता नहीं है। एक तो वो ग्राउंड लेवल पर लगातार काम कर रही थी, दूसरी बात यह है जो ये महिलाओं और तमाम दूसरे वोटर्स हैं जिनको लोकल इश्यूज से जो लोकल इश्यूज की बात करते हैं उनके उनको असर डालते हैं, उन इश्यूज पे बात करने वाले और उससे कनेक्ट करने वाले लोग ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं चाहे वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो चाहे वो भ्रष्टाचार का देश के लेवल पे मुद्दा हो, वो वहाँ लोकल लेवल पे उतना काम नहीं करता। और ये जो महिला होने की वजह से जो इनका कनेक्ट वहाँ की महिलाओं से है या नीचे के तबके के लोगों से है वो बहुत स्ट्रांग है। दूसरी बात यह है माधवी लता बहुत अच्छी वक्ता है, अभी तक की जो ओवैसी थे वो हमेशा प्लस रहते थे किसी भी कैंडिडेट के साथ बोलने के मामले में, लेकिन इस बार उनको कड़ी टक्कर इस मामले में भी मिली है। हालांकि ओवैसी की अपनी क्योंकि देखिए उनको दोनों तरफ का फायदा मिल रहा है ना, एक तरफ तो हिंदुत्व का चेहरा है, दूसरी तरफ मुसलमान महिलाओं के लिए भी वो उन्होंने हमेशा काम किया है, तो ये जो फायदा मिल रहा है इससे कहीं ना कहीं खतरा तो बढ़ रहा है। खैर चलिए हैदराबाद से अब रुख करते हैं बिहार का, बिहार में भी कुछ कम गहमा गहमी नहीं है। फिलहाल हम आपको बेगूसराय सीट के बारे में बताते हैं, बिहार की लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें हैं, गिरिराज सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहां से केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के सामने बसपा ने चंदन कुमार दास और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अवधेश कुमार राय को उतारा है। गिरिराज सिंह भी कल क्योंकि मोदी जी ने पटना में रैली की थी तो उसके बाद उनको लग रहा है कि मोदी के नाम पर वोटर्स हमारी तरफ और ज़्यादा आएंगे और कहीं ना कहीं उनको इस बात का भरोसा है, वो बता रहे हैं कि हमें जीत ज़रूर मिलेगी। आप मुंगेर के भी उम्मीदवार देख सकते हैं ललन सिंह जेडीयू के। देखिए बिहार में एक और चीज़ मैं मुक्ता जी आपको बताऊं कि इस बार एक डिफरेंट फैक्टर भी काम कर रहा है, बिहार के अपने मुद्दे अपने कैंडिडेट और अपनी पार्टी जो है उनके अलावा भी एक माहौल बन रहा है, और वो माहौल अभी से नहीं बन रहा है, पिछले 3-4 महीनों से जब चुनाव नहीं तारीख हुई थी तब से। अगर आप गौर करेंगे तो प्रशांत किशोर जो कि स्ट्रेटजिस्ट माने जाते हैं, जनसुराज यात्रा निकाली उन्होंने और वो एक जनसुराज करके मंच बनाया हुआ है जो कि आगे हो सकता है राजनीतिक रूप से चुनाव भी लड़े, वो लगातार जिस तरह से बिहार में अलग अलग जगहों पर मोदी की चीज़ों को लेकर के बातें कह रहे हैं लोगों से, वो बड़ा असर डाल रही हैं। उनकी जो तमाम रिपोर्ट्स हैं जो बातें हैं बहुत असर डाल रही हैं, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि गुजरात में कम यहाँ से लोकसभा सांसद हैं लेकिन मोदी जी वहाँ पर 1,00,000 करोड़ रुपये की बुलेट ट्रेन लेके जाते हैं, और यहाँ बिहार में ज़्यादा सांसद जाते हैं यहाँ से और सरकार बनाने में भूमिका तय करते हैं लेकिन यहाँ पर एक भी वो तमाम योजनाएं नहीं लाते हैं, यहाँ ट्रेन भी नहीं चलाते, इस तरह की बहुत सारी बातें कहीं जो लोगों से कनेक्ट करती हैं। चाहे वो इसकी बात करें कि आज तक बिहार की गरीबी और परेशानियों को लेकर के मोदी जी ने 10 साल में एक बैठक तक नहीं की, वो कहीं ना कहीं जो ये माहौल बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं असर डालने की कोशिश ही है और जिसका असर शायद दिखे भी। चलिए बेगूसराय के बाद हम लोग मुंगेर की बात करेंगे, बिहार की हॉट सीट है, लेकिन उसके पहले दिखाते हैं कि गिरिराज सिंह का क्या कहना है, वोट डालने पहुंचे थे वो क्या कह रहे हैं। वोटरों से अपील करूंगा अपने गांव बढ़िया से लेकर के मुंगेर बेगूसराय से लेकर पूरे बिहार देश को कि वोट जरूर डालें, ये लोकतंत्र का पर्व है और ये एक वोट अटल बिहारी वाजपेयी को गिरा सकती है सरकार से और एक वोट नरेंद्र मोदी को 400 के पार ले जाने का काम करेगा जिससे गरीबों को एक ताकत मिलेगी। बहुत अच्छी तस्वीर है, मुंगेर बेगूसराय सहित 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में आएगा और कल पटना का रोड शो नरेंद्र मोदी ने करके जनता से सीधा अपील की है और उस अपील का दृश्य दिखने शुरू हो गए। देखिए धार्मिक तो शिवेंद्र देख सकते हैं बिहार में भी सियासी पारा चरम पर है और काफी कॉन्फिडेंट हैं, जब से कल मोदी जी की रैली हुई है तब से उनको कहना है कि अब तो उनका कहना है कि अब तो 400 पार जाना है। खैर अब हम लोग जरा मुंगेर के बारे में बात करते हैं, काफी हॉट सीट है एनडीए और महागठबंधन के बीच की, बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। उधर तेजस्वी ने पहले कहा है कि कौनो एनो न करेगा, मुंगेर में खूंटा गाड़ के बैठे हैं इस बात। बिल्कुल देखिए वहाँ तो सब देसी तरीके से जो बातें होती हैं वो ज़्यादा कनेक्ट करती हैं, और जिस तरह से तेजस्वी यादव हों या दूसरी विपक्षी पार्टी के तमाम दूसरे लोग हों वो लगातार अलग अलग तरीके से अपनी बातों को कह रहे हैं, वो वहाँ की जो अब बिहार में तमाम जगहों से अलग इस बार इसीलिए चुनाव दिख रहा है क्योंकि और जगहों पर बातें हो रही हैं धर्म की जाति की पार्टी की या फिर मान लिया जो राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं, लेकिन वहाँ पर वो अपनी लोकल बातें कर रहे हैं
क्योंकि लोकल बातों से ही कनेक्ट बिहार का मतदाता ज्यादा होता है और वो बात कह करके जितना कन्विंस कर पाएंगे उसका फायदा दिखेगा। तो मुंगेर एक ऐसी सीट है जहां पर ये जो लोग रूट लेवल पे काम करते हैं या रूट लेवल पे जो जाते हैं घरों घरों में मिलने के बाद वहां की उनकी भाषा में उनकी बातें करते हैं वो असर डालती है और यही काम तमाम नेता कर रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वोट उनकी झोली में आए। इस बार बिहार में बड़ी दिलचस्प लड़ाई है क्योंकि अगर आप देखिए इस बार नीतीश कुमार कार्ड कितना चलता है ये भी देखने की बात है। तेजस्वी यादव ने भी अपना एक दबदबा तो बनाया हुआ है, इस बार उन्होंने बड़ी मेहनत की है और लगातार एक दूसरे पे एलिगेशंस भी चालू है। अब देखना ही है कि कौन सा कार्ड किधर ज्यादा काम करता है। देखिए दोनों ही चीजें इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी हैं कि तेजस्वी यादव ने पिछले 4-5 सालों में अपने आप को बहुत अच्छे से इवॉल्व किया है, बड़े स्तर पे नेता बन करके निकले हैं, लालू यादव परिवार से अकेले हैं ऐसे जो इतने कद अब जो मिलता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर के जो लोगों में भ्रांतियां थी कि अभी तक उनको पलटी मार नेता कहा जाता था लेकिन इस बार एन मौके पर जिस तरह से किया उन्होंने और लगातार करते आ रहे हैं उससे भी कुछ मोह भंग सा दिखता है क्योंकि जहां भी जाते हैं या जहां भी विपक्षी पार्टी अपनी कोई सभा करता है उसमें इस बात को बड़ी पुरजोर तरीके से उठाता है कि जो आदमी अपने पार्टी का या अपने नेताओं के साथ का नहीं हो रहा है वो आपका क्या होगा, आपका क्या इन सब चीजों को लेकर के भी वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ तेजस्वी यादव का बढ़ता हुआ कद और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का। लेकिन आपको क्या लग रहा है क्योंकि शिवेंद्र आपने हमेशा बहुत सालों से आप ये कवर करते आए हैं, आपने देखा है जमीनी हकीकत देखी है जिस तरह से नीतीश कुमार इस बार भाजपा में गए, क्या आपको लगता है कि इस बार वो करिश्मा उनका दिखेगा जो पिछले चुनाव में उन्होंने दिखाया था? बिल्कुल नहीं, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें, कई बार इस तरह से उठापटक और अदला बदली करने के बाद लोगों का भरोसा तो टूटता ही है। पार्टी के बाहर की बात मैं कर रहा हूँ, जनता की बात कर रहा हूँ, पार्टी के अंदर जो होता है वो तो अलग है, रणनीति के हिसाब से तय होता है कौन आएगा नहीं आएगा ये अलग बात है, लेकिन जनता कनेक्ट करने में थोड़ा मुश्किल करती है क्योंकि उनको लगता है कि क्या करें, भरोसा करें नहीं करें, अभी जीतने के बाद कहीं और चले जाएंगे, तो ये वोट एक्चुअल में हमें उस पार्टी को ही जा रहा है जिसको हम देना चाहते हैं या इस आदमी के वजह से वहां जा रहा है, तो ये चीज तय करने में बड़ी मुश्किल होगी। और नीतीश कुमार का जो पहले जिस तरह का माहौल बना हुआ था सरकार में रहते हुए जब पहले थे तब अलग था, लेकिन अब जब उन्होंने बीजेपी के दामन थामा और फिर से वहां पर सत्ता संभाली उसके बाद से वो बात नहीं रह गई। हालांकि लोकसभा का चुनाव है, बहुत सारे लोग मिलकर के काम करते हैं तो हर एक फैक्टर काम करता है, मोदी खुद रैली कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कितना असर डालेंगे ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है। चलिए तो अब बिहार की बात करें तो अब रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का। बहरामपुर की सीट काफी इंपॉर्टेंट और अहम मानी जाती है, वहां पे आपको दिखाते हैं अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार और उनके सामने यूसुफ पठान टीएमसी के, काफी अहम सीट मानी जाती है, शुरू से यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ रहा है, अल्पसंख्यक जो हैं यहाँ पे एक निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 1996 में अगर इस सीट पे देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। भी आपको दिखाते हैं अधीर रंजन चौधरी भी पहुंचे थे वोट डालने के लिए, उनका क्या कहना है आपको सुनाते हैं। हम जीतेंगे इसमें कोई हमें कोई इसमें परेशान नहीं है, शंका भी नहीं है मुझे, बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आत्मविश्वास है मेरा पूरा। अभी तक 2-4 आइसोलेटेड घटना घटी है जैसे कि बड़ुआ की खरजुना जहाँ घटी है बेलडंगा में, हम लोग भी शिकायत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहते कि बहुत बड़े कुछ घटना घट चुके हैं, लेकिन 4-5 जगह हो रहे हैं, अभी आगे जब होते रहेंगे तब मैं शिकायत दर्ज करते रहूंगा तब बोलूंगा, अभी मैं मनगढ़ंत बात तो नहीं कर सकते ना, मैं कुछ नहीं देखती उनको, आई डोंट केयर अ फिग फॉर हिम, मैं किसी को नहीं देखते, मेरे साथ संघर्ष, मेरे साथ लड़ाई, मैं टीएमसी सत्तर और टीएमसी पार्टी के और बीजेपी पार्टी के, मैं किसी व्यक्ति के साथ मेरा कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन यूसुफ मतलब पठान को। तो अधीर रंजन चौधरी वैसे तो बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, कांग्रेस का गढ़ रहा है, बीजेपी ने एक बार यहाँ पे खाता खोला है सिर्फ, क्या लग रहा है इस बार भी देखिए कुछ का, क्योंकि ये जो दो लोग आमने सामने अधीर रंजन और यूसुफ पठान बड़ी कांटे की टक्कर है दोनों की। देखिए कांटे की टक्कर तो है लेकिन वहां पर जो माहौल है अधीर रंजन चौधरी कॉन्फिडेंट होने के पीछे वजह भी है, हाल के दिनों में तमाम जो एक्शंस रिएक्शंस हुए पार्टी की तरफ से या बीजेपी सरकार की तरफ से चाहे संसद वाला मामला हुआ उससे अधीर रंजन का कद और बढ़ा, उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी, और ये सब चीजें फैक्टर चुनाव से ठीक पहले हों तो उसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है। और अधीर रंजन चौधरी चूंकि सपोर्टेड कैंडिडेट भी हैं और दूसरी बात यह है कि वो एक बड़ा कद रखते हैं तो उनका जो माहौल है वहाँ उन तमाम दूसरी जो जमीनी समस्याएं या जरूरतें हैं उनसे अलग भी है, उसका अपना ऑरा है, तो जाहिर सी बात है इसका असर पड़ेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में पूरे अगर आप देखेंगे तो केवल एक सीट की बात नहीं है, वहां पर जितनी भी जगह हैं वहां पर इक्वेशन एकदम डिफरेंट हो जाती है क्योंकि वहां पर दीदी अपने तरीके से चीजों को जो चलाती हैं या स्ट्रेटजाइज करती हैं उसका बहुत ही अलग असर देखने को मिलता है, भले ही सामने हकीकत कुछ और दिख रही हो लेकिन रिजल्ट हमेशा आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के कुछ चौंकाने वाले ही आते हैं।
चलिए हम आपको दिखाते हैं, बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने भी वोट डाला, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। देखिए मैं जब चुनाव प्रचार में गांव-गांव में गया, महिलाएं हाथ जोड़ करके हमको बोल रहे, दादा हम वोटिंग कर पाएंगे क्या, रोते हुए बोल रहे। कोई अपना बच्चा को बगल में खड़ा हुआ 5-7 साल का, उसको दिखा के बोल रहे, देखो इसका जब से जन्म हुआ मैं वोट नहीं डाला, मुझे प्लीज वोट डालने की व्यवस्था करिए। और मैंने सबको बोला कि आप जरूर वोट डालेंगे, सुबह जाके लाइन में खड़ा रहिए। तो मुझे लगता है वोटिंग ठीक ठाक होगा। इनकी आदत है डराने धमकाने का, वही सीपीएम के समय करते थे लोग, वही टीएमसी में है, और प्रभावित करना। कल रात को कई जगह शहर में जगह बस्तियों में डराया गया लोगों की, मत निकालिए वोट देने के लिए, टीएमसी के गुंडों के द्वारा, उनका काउंसिलर के साथ उनके चमचे जाके कर रहे हैं। और आज सुबह से कई जगह एजेंट को, पोलिंग एजेंट को अंदर जाने के लिए मना कर रहे, उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी है, कंप्लेन आया हमारे कार्यकर्ता गए हैं, हम प्रशासन को भी सूचित किए हैं। मुझे लगता है कि सब ठीक ठाक हो जाएगा, मैं भी निकलूंगा, जहां जो जरूरत पड़ेगा मैं यहां पहुंचूंगा। 7:30 तक कुछ जगह में सेंट्रल फोर्स पहुंचे नहीं है, मुझे मालूम है कि हर बूथ में सेंट्रल फोर्स रहेगा, लेकिन नहीं पहुंचने के कारण वहां के बदमाश उनको डरा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर में ये सब सामान्य हो जाएगा, नहीं तो हम जाके व्यवस्था देखेंगे। अब देखिए टीएमसी के पास कैंडिडेट नहीं है, जिनको जो बाहरी बिहारी बोलते थे, जिनको गुंडा बोलते थे बिहार यूपी के लोग, वहीं से उनको कैंडिडेट लाना पड़ रहा है, शायद उनको गुंडों की जरूरत है। हम तो सारा देश के लोगों को मानते हैं कि कहीं भी जाके वो वोटिंग करे, कहीं भी जाके चुनाव लड़े, ये अधिकार है, संविधान ने दिया है, और हमारे प्रधानमंत्री गुजरात से इसलिए बनारस आए। तो लोग तो आपने सुना इनकी बातें। अब इस बार क्योंकि बीजेपी के लिए भी एक यहाँ पर एक टफ ग्राउंड है, बंगाल में घुसना इतना आसान नहीं है, लेकिन इस बार मशक्कत तो इन लोगों ने काफी की है, मेहनत काफी की है, तो आपको लग रहा है दीदी वर्सेस मोदी? देखिए वहाँ इसीलिए माहौल एकदम अलग ही होता है, वहाँ दीदी वर्सेस मोदी ही होता है, और दोनों ही कांटे की टक्कर देते हैं हर मामले में, चाहे वो कैंडिडेट्स के मामले में हो, चाहे रणनीतिक मामले में हो, और चाहे ये खुलेआम जो गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं उसकी। जैसे ये टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके पार्षद जाकर के लोगों को वोट देने से रोक रहे हैं क्योंकि उनकी वहाँ पर सरकार है, वैसे ही वहाँ बीजेपी पर भी इस बात के आरोप लगते हैं कि केंद्रीय जो एजेंसीज हैं और तमाम चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके तमाम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। तो इन सब के बीच जो आपस की ये लोग रणनीति चलाते हैं वो भी एक अलग ही होती है। जो जो कैंडिडेट होते हैं उन कैंडिडेट्स को वो एक एक करके चुन करके रखते हैं, ताकि जो लोकल इन्फ्लुएंस है वो तो रहे ही, लेकिन वो राष्ट्रीय रणनीति के हिसाब से भी फिट बैठे। इसीलिए तो तमाम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आज भी बड़े नेता कहीं और के हुआ करते थे, वहाँ पश्चिम बंगाल में दूसरी पार्टी में लड़ रहे हैं। चलिए बंगाल के बाद अब हम सीधा चलते हैं फिर से यूपी उन्नाव चलते हैं, वहाँ पर साक्षी महाराज ने देखिए वोट डाला है, और आज चुनाव के दिन भी विवादित बयान ही दिया है, सुनिए। अब आपने पूरे 5 साल देखा होगा कि कांग्रेस कभी बहस के लिए तैयार नहीं थी, कांग्रेस ने हाउस नहीं चलने दिया, और जब कोई मुद्दे की बात होती थी हाउस छोड़ करके भाग जाते थे। तो खुली चुनौती देने वाले डरपोक हैं, सियार हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं है हमारे शेर के आगे खड़े हो सकें। अगर हिम्मत है, अब ये मैं कैसे कहूँ कि ये आकर के हमसे बहस करेंगे, जब ये MP नहीं बनेंगे, लोकसभा का मुंह ही नहीं देखेंगे, तो ये बहस करने का क्या मतलब है? अगर मोदी जी ने कह दिया 400 पार, तो मुझे लगता है 400 पार ही होगा। कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव, रायबरेली से पप्पू, राहुल गांधी और वायनाड से, और हैदराबाद से ओबीसी संघ चुनाव। साक्षी महाराज तेवर ही अलग हैं इनके। अगर आप देखिए 2014 में साक्षी महाराज ने कांग्रेस से सीट छीन कर बीजेपी के पाले में डाल दी थी, और उसके बाद 2019 में भी वापस आए थे। लेकिन अगर हम उन्नाव की बात करें शिवेन, तो आज भी ये जिला जो है विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, अभी भी बहुत सारे गांव हैं जो सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर आप साक्षी महाराज की बात भी सुनिए, तो ले देखे वो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान पे ही चले आते हैं। अगर अभी आपने सुना ही होगा उन्होंने जो कहा था कि हिंदू, क्योंकि अभी एक सर्वे आया जिसमें ये बताया गया है कि हिंदुओं की संख्या कम हो रही है और मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, तो उन्होंने कहा है कि जब भी हिंदू कम हुए हैं तो देश बटा है, तो फिर ले दे के वही मुद्दा आ जाता है सामने। बिल्कुल, देखिए साक्षी महाराज इन्हीं तरीके के बयानों के लिए जाने भी जाते हैं, और केवल ये बयान ही नहीं बल्कि पार्टी में, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह की बात की जाए कि वो पार्टी से भी अलग चलने की कोशिश करते हैं, वैसे ही साक्षी महाराज हैं। फायर ब्रांड नेता जरूर हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के खिलाफ भी चले जाएंगे तो भी कई बार पार्टी उनका कुछ बिगाड़ती नहीं है, ये भी देखने को मिला है। मैं आपको बताऊं, उन्नाव का ही केस था जिसमें जो बीजेपी के विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, उनके खिलाफ गैंगरेप का आरोप लगा था और वो जेल में थे।
सरकार में रहते हुए, सरकार अपनी स्टेट में थी, उसके बावजूद भी साक्षी महाराज उनसे मिलने के लिए जेल पे गए, जबकि बहुत विवाद हुआ और सरकार को आड़े हाथों लिया विपक्ष ने, उसके बावजूद भी गए और बीजेपी ने उसको कुछ नहीं कहा। तो साक्षी महाराज या तमाम ऐसे कुछ एक नेता ऐसे भी होते हैं, हर पार्टी में हैं ऐसे लोग जिनको शायद पार्टी इस लिहाज से भी रखती है कि वो कुछ ऐसा बयान देते रहे जिससे कि माहौल बना रहे, और वो माहौल बनाने का काम साक्षी महाराज बीजेपी के लिए करते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात हो, आतंकवाद की बात हो, या कुछ ऐसा विवादित बयान जिस पर कुछ विवाद हो, चर्चा हो, और उसके बाद फिर आगे गाड़ी बढ़े। चलिए तो जरा रतीश के पास भी चलते हैं। रतीश, अभी जैसा शिवेंद्र ने कहा कि कुछ नेता पार्टी इसलिए रखती है क्योंकि वो ऐसे बयान दें कि माहौल बना रहे, तो क्या माहौल उन्नाव में बना हुआ है? क्या साक्षी महाराज हैट्रिक मारेंगे? देखिए, इस बार उन्नाव की राह इतनी आसान नजर नहीं आती है साक्षी महाराज को लेकर के। हाँ, उनके बयानों को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनकी राजनीतिक छवि को लेकर के जरूर कहा जा सकता है कि बड़े नेता हैं। राष्ट्रीय फलक पर वो इस तरीके का बयान दे देते हैं कि राष्ट्रीय फलक पर छा जाते हैं। ओवैसी को कभी आपत्तिजनक बयान दे देते हैं, कभी विवादित बयान ऐसा दे देते हैं जो काफी मीडिया की सुर्खी बन जाता है। लेकिन आपने डेवलपमेंट की बात की उन्नाव की, तो इसके बारे में बता दूं कि राष्ट्रीय राजधानी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश की जो औद्योगिक राजधानी कही जाती है कानपुर, जो कही जाती थी, उसके बीच पड़ता है उन्नाव। और जब लखनऊ से कानपुर की तरफ जाते हैं तो उन्नाव में वो विकास और डेवलपमेंट नहीं दिखता है। हालांकि ये दुर्भाग्य है सभी राजनीतिक दलों का जिन्होंने उन्नाव को कभी उस तरीके से विकास करने की कोशिश नहीं की जिस तरीके से उन्नाव का विकास होना चाहिए था। आप आते हैं साक्षी महाराज पर। साक्षी महाराज लगातार विवादित बयान देते हैं। आज जब वोट डालने गए तब भी उन्होंने राहुल गांधी को इस तरीके से संबोधित किया जो आपत्तिजनक कहा जाता है। लेकिन अनु टंडन की अगर बात की जाए तो अनु टंडन पहले से कांग्रेस की, जब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 22 सीटें आई थी 2009 में, तब वो उन्नाव से चुन करके पहुंची थी संसद में। इस बार समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, समाजवादी पार्टी के टिकट पे वो चुनाव लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का जो बेस है उसको उन्नाव में ये नहीं भूलना चाहिए कि शीला दीक्षित उनके पति का भी बेस उन्नाव में रहा है, यानी कांग्रेस का भी बेस उन्नाव में है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की प्रत्याशी के रूप में अनु टंडन यहाँ से चुनाव लड़ रही है, और अनु टंडन की एक अलग प्रोफाइल रहती है। उनके पति एक बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पद पर ओहदे पर रहे हैं, धन बल और बाहुबल की भी कोई कमी नहीं कही जा सकती किसी भी तरफ, दोनों ही प्रत्याशियों के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए ये कंटेस्ट मुझे टफ लगता है दोनों के बीच में, साक्षी महाराज और अनु टंडन के बीच में। जानकार जो बता रहे हैं उसमें साक्षी महाराज का पड़ना भारी जरूर बताया जा रहा है, लेकिन अनु टंडन एक तरफा साक्षी महाराज को जीतने नहीं देंगी। कंपटीशन काफी ज्यादा टफ दिखता है। चाहेंगे अलग अलग सीटों के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, जैसे सीतापुर की बात करिए, राजेश वर्मा बीजेपी से जो उम्मीदवार है, चार बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन यहाँ कहा जाता है यहाँ कोई भी पार्टी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है, तो और ना यहाँ हिंदू राजनीति चलती है ना यहाँ मुस्लिम राजनीति चलती है। ये जीते हैं चार बार, तो दो बार बीएसपी की तरफ से रहे हैं और दो बार बीजेपी की तरफ से, इस बार वहां पे क्या हाल है? देखिए, बीजेपी के लिए वहां पे संकट राकेश गुरु बढ़ाएंगे जो समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए, कुछ दिन पहले ही वो विधायक है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पाला बदल की राजनीति सीतापुर के लिए हुई है वो थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकती है। अभी शिवेंद्र जी कुछ देर पहले बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने बहुत ही तत्परता के साथ और बहुत ही चालाकी के साथ अपने प्रत्याशियों को उतारा है। ऐसे में जो एक करीब एक दर्जन सीटें ऐसी नहीं, एक दर्जन प्रत्याशी ऐसे रहे जिनमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज रात में अगर प्रत्याशी को अनाउंस किया तो रात में ही या कल सुबह समाजवादी पार्टी ने, एनडीए गठबंधन ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया। अब आप देखिए कि तीन चरण का चुनाव हो चुका है, चौथे चरण का चुनाव आज हो रहा है, और कल रात में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक लिस्ट आई है रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर को लेकर के। मिर्जापुर में भदोही के जो बीजेपी के जो सांसद थे रमेश बिंद, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया, उन्होंने पाला बदल किया और समाजवादी पार्टी ने उन्हें तुरंत ग्रैब किया अपनी तरफ से लाके मिर्जापुर से चुनाव उनको लड़ा दिया। तो समाजवादी पार्टी की सीतापुर में भी कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजी है। राजेश वर्मा की इस बार जो राह है वो आसान फिलहाल तो नहीं दिखती, क्योंकि समाजवादी पार्टी में सीतापुर को कई बार मैंने कवर किया है, सीतापुर में समाजवादी पार्टी का काफी अच्छा बेस है, काफी अच्छा वोट बैंक है। तो यहाँ भी लड़ाई जो है वो थोड़ी सी इंडी गठबंधन के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में थोड़ी टफ दिखती है। माफ कीजिएगा, आपका सवाल एक बार फिर से दोहराइए। जी, अपना सवाल एक बार फिर से सुन पा रहे हैं?
सुन पा रहे हैं शहर शिविंद, बताइए। रतीश, एक चीज जानना चाहते हैं कि जो यूपी का हाल पिछली बार 2019 के चुनाव में रहा था, इस बार 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया हुआ है, लेकिन यूपी में माहौल वैसा नहीं दिखता, तो क्या जो 80 की 80 सीटें हैं उन पर कुछ ऐसा दिखता है कि ज्यादा सीटें बीजेपी के पास आए, या कितने प्रतिशत आने की उम्मीद दिखती है आपको? देखिए, फिलहाल की जो राजनीतिक पंडितों की बात की जाए और जो एनालिसिस मेरा खुद का स्वयं का है, वो ऐसा दिखता नहीं कि जितनी सीटें पिछली बार 2019 में थी उनसे बहुत ज्यादा कोई सीटें इस बार गेन करने भारतीय जनता पार्टी एनडीए जा रही है। फिलहाल सीटों की 80 की 80 सीटों की बात की जाए, लेकिन 80 की 80 सीटें ऐसी है नहीं। जो सीट वाइज अगर बात की जाए तो अभी हम लोगों ने कई सारी सीटों की बात करी है। रायबरेली की सीट की चर्चा यहाँ पर मैं करूंगा। उसी उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि 80 में 80 सीटों का नारा और जो 70 और 72 और 75 सीटों के बारे में कहा जा रहा है, अमित शाह ने खुद कहा था कि जो पिछला हमारा 2019 का परफॉर्मेंस था उसमें 6-7 सीटें हम और ज्यादा एड ऑन करेंगे, यानी 70 सीट तक पहुंच जाएंगे, तो 80 या 70 तक क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? वो इसके पीछे की वजह ये है कि रायबरेली में अगर देख ली जाए तो रायबरेली में अदिति सिंह नाराज है, कांग्रेस की विधायक थी, भारतीय जनता पार्टी का खेमे से जुड़ी, लेकिन रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी ने तेज प्रताप सिंह जो अपने मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको टिकट दे दिया। अभी रतीश को यहाँ रोकेंगे और हम सीधा शाहजहांपुर चलते हैं, जहाँ जितिन प्रसाद और सुरेश खन्ना ने भी वोट डाला, और सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है। People of India and Uttar Pradesh and today in Shahjahanpur are coming out and voting for the Prime Minister Narendra Modi ji, his third term and the track record that has been here for 10 years of his work it is everyone to see, and on that basis the people are supporting the Bharatiya Janata Party, the Prime Minister Narendra Modi ji and our local candidate of Shahjahanpur Arun Salma. पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ही माहौल है। इस देश के 75% से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, और उसी के अनुरूप जो लोगों का रुझान है वो यही दिखाई पड़ता है। शाहजहांपुर में हम कई दिनों से हैं, आज पहला वोट भी मैंने कास्ट किया, सब तरफ से केवल एक ही आवाज आती है, कमल का फूल, अरुण सागर, प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। बीजेपी पहले दो चरणों में तीन, तो शाहजहांपुर की सीट भी बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर देखिए दिग्गज नेता लोग जो वोट डालते समय कह रहे हैं, वो लोग बहुत सारे दावे कर रहे हैं। लेकिन रतीश, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जो ये शाहजहांपुर की सीट है वो बड़ी पारंपरिक सीट रही है और वहां से डिवीएट बहुत जल्दी होती नहीं है, इस बार जो माहौल दिखता है शाहजहांपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सीटें हैं जहां पर इक्वेशन बदलती हुई नजर आ रही है। एक बार मैं ये जरूर बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार के तीन बड़े मंत्री शाहजहांपुर से आते हैं, तो जितिन प्रसाद की बात अभी हमने सुनाई, जितिन प्रसाद वहां से आते हैं, जो सुरेश खन्ना है वरिष्ठतम मंत्री है, सबसे ज्यादा बार चुनाव जीते हैं, वो वहां से आते हैं, और इसके अलावा जेपीएस राठौर भी वहां से आते हैं। शाहजहांपुर में इन तीनों को लगा के रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी जैसे अपने सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को ड्यूटी लगा देती है, वैसे सुरेश खन्ना को वहां पर लगातार लगा के रखा गया, ताकि जो आसपास की सीट है, धौरहरा की सीट जो रेखा वर्मा जहां से जीती है और अरुण सागर जहां से शाहजहांपुर से जीते आए हैं, उनकी सीटों पर कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं आए। लेकिन इतनी जरूर जानकारी हमको लगी है कि धौरहरा की सीट हो चाहे शाहजहांपुर की सीट हो, इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है वो ज्यादा बेचैन करने वाली स्थिति नहीं दिखती है। परंपरागत सीट भी रही है और इसके साथ ही ये दोनों सीटों पर बहुत ज्यादा मेहनत इन तीनों मंत्रियों के द्वारा की गई है, खुद अपनी मॉनिटरिंग रखी गई, सुरेश खन्ना के द्वारा यहाँ मॉनिटरिंग रखी गई है, और जितिन प्रसाद पीलीभीत में जो चुनाव लड़ने पहुंचे उसके बाद से उनकी ड्यूटी लगातार यहाँ पे रखी गई, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया गया है, हालांकि कार्यकर्ताओं में निराशा जरूर थी और अभी भी है। भारतीयपुर के बाद बहुत ही शॉर्ट में लखीमपुर खीरी की बात करेंगे। लखीमपुर खीरी में अगर आप देखिए तो अजय मिश्रा टेनी जो बीजेपी से हैं बड़े टफ फाइट में फंसे, दो बार सांसद रह चुके हैं लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे हैं, किसानों का आक्रोश उनके लिए मुसीबत बढ़ा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, मैंने बताया था हाई प्रोफाइल सीट है लखीमपुर खीरी की और अजय मिश्रा टेनी पर कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये कहिए कि इतना प्रदर्शन हुआ, इतना विरोध प्रदर्शन हुआ लखीमपुर में जाकर के, हमने देखा कितना बवाल हो रहा है, किसान कितने नाराज हैं और बहुत ज्यादा उनका विरोध किया गया, उनकी लगातार पूछताछ, जांच, इस्तीफा, सब कुछ होता रहा, लेकिन उनको
एक संरक्षण इस तरीके का मिला रहा ऊपर के अपने जो आला अधिकारी थे, जो पदाधिकारी थे, और उन पदाधिकारियों के संरक्षण के बावजूद उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर लखीमपुर खीरी में ये विरोध जरूर है और जो आम लोग हैं उनमें काफी नाराजगी रही जिस तरह से लखीमपुर कांड हुआ था, और उसकी नाराजगी को लखीमपुर खीरी में महसूस भी किया जा रहा है। जो आम लोग हैं वो बताते हैं कि जरूर वक्त बीत गया है लेकिन उस वक्त को भूला नहीं गया है। बहुत सारे लोग हैं जो इस बार तैयार थे, चुनाव आएगा, टिकट कटने तक की बात कही गई थी कि इस बार टिकट काटा जाए या ना काटा जाए, लेकिन आलाकमान ने भरोसा जताया अजय मिश्रा टेनी को लखीमपुर खीरी से दोबारा। बहुत छोटी सी बात जानना चाहते हैं ताकि दर्शकों को भी ये बात समझ में आए। बहुत से ऐसे नेता पार्टी में होते हैं जो बहुत विवादित काम करते हैं, उनमें से एक अजय मिश्रा टेनी है, जैसे साक्षी महाराज की बात कर रहे थे, जैसे कि हम ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे थे। ये लोग पार्टी विरोधी या पार्टी की पॉलिसी से भी अलग जाते हैं, जनता के खिलाफ भी जाते हैं, उसके बावजूद भी इनको टिकट मिलता है। तो क्या सियासत के हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्यों आखिरकार इनको लेना पार्टी में और उनको टिकट देना मजबूरी हो जाती है? अजय मिश्रा टेनी एक बार वहां से लड़ चुके हैं, इतना बड़ा कांड हुआ, किसान नाराज हैं, विरोध है, और उन्हीं लोगों को वोट देना है, उसके बावजूद भी इनको टिकट दिया गया। देखिए, इनकी संगठन में और कुछ खास जो नेता होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उन नेताओं तक इनकी पैठ बहुत जबरदस्त होती है। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि अमित शाह तक, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे हैं और गृह मंत्री का पद अमित शाह के पास है, जो व्यक्ति अमित शाह के ठीक नीचे काम कर रहा हो उस व्यक्ति की पकड़ कितनी मजबूत होगी, इस बात को आप समझ सकते हैं। अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री के रूप में काम करते रहे, विवाद हुआ उसके बाद भी करते रहे और आज भी करते चुनाव लड़ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कितनी, किस तरह इशारा मैं कर रहा हूं। अमित शाह के भरोसे मंद कहे जाते हैं और इसी भरोसे पर खड़े उतरने के बाद उनका ना तो बाल भी बांका हुआ, ना उनको पद से हटाया गया, ना उनकी सदस्यता को कुछ हुआ, और उसके बाद भी उनके टिकट पे जब सवाल उठे कि टिकट कट सकता है, टिकट भी मिला और चुनाव भी लड़ रहे हैं। साक्षी महाराज की बात कीजिए, साक्षी महाराज उन्नाव से हटकर राष्ट्रीय फलक पर जो भी बात बयान देते हैं वो पार्टी के लिए कभी कभी घातक भी साबित होता है, पार्टी के लिए कभी कभी फायदेमंद भी साबित होता है। वो वैसे को जवाब देने के लिए एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो दोनों उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी से उत्कर्ष वर्मा और अंश कालरा बसपा से, ये सिख हैं, इस सीट पर सिख वोटर्स की बड़ी संख्या में यहाँ पर बड़ी संख्या में, लेकिन दोनों ही बीजेपी में थे पहले। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी में थे और बीजेपी के साथ छोड़ के गए, और उसमें ये जो इन दोनों कैंडिडेट को दिए जाने की बात है वो इस बात का फायदा उठाने की बात है कि बीजेपी से नाराजगी होगी उन किसानों को, वहां पर ज्यादातर सिख किसान हैं, और वो किसान जो लोग इस पूरे मामले में चोट खाए हुए हैं, यानी उन्हीं के बीच का लोग गए थे जब अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने वो गाड़ी चला दी थी, तो ये जो एक जो इमोशनल कार्ड है ये भी काम करने वाला होता है। बसपा ने जो अंश कालरा को उतारा है काफी सोच समझ के उतारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब सारी चीजें सोच करके ही राजनीतिक पार्टियां जो है वो फैसला करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भावना का, इमोशंस का, उनकी स्ट्रेटजीज का फायदा उठा सके, और इसीलिए इन लोगों को मौका दिया गया। बेशक ये लोग पहले बीजेपी में थे लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ ही खड़े इसीलिए हैं ताकि ये साफ संदेश जा सके कि हम न सिर्फ बीजेपी के विरोध में हैं बल्कि आपके साथ में हैं। चलिए तो हम यूपी से निकलते हैं और हम रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां पर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों लोगों ने वोट डाला, मतदान के बाद क्या कहा आपको ये भी सुनाते हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज वो दिन आ गया। 2014 में वोट नहीं दे सका क्योंकि मैं अस्पताल में था विलायत में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं आपके पास खड़ा हूँ। मगर अफसोस इस बात का भी है कि जहाँ ये कहते हैं कि कोई पत्थर नहीं चल रहा है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई बायकॉट नहीं है, वहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी के और खासकर हमारी पार्टी, तब हमने तो नाम भी दिए, बाकियों ने तो हवा में बात की, सिर्फ ये कहा कि हमारे वर्करों को तंग किया जा रहा है। हमने तो नाम दिए, हमने कहा कि ये 8 नाम है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कल को आप कहे कि हम बकवास कर रहे हैं। हमने थाने के नाम दिए, उन लोगों के नाम दिए जिनको बुला के जो है पकड़ा गया। ये बदकिस्मती से एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से इस पोल प्रोसेस को थोड़ा विशेट करने की एक कोशिश है, जो कि हम मतलब इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और उम्मीद करते हैं कि इसको दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। ड्रामा का हमने नाम। तो शिवेन, 370 हटने के बाद आप जम्मू कश्मीर में नई उम्मीद की किरण देखते हैं?
देखिए माहौल तो बदल ही गया है, तमाम चीज़ें हो गई हैं, वहाँ चुनाव भी शांतिपूर्वक तरीके से एक तरीके से हुआ। दूसरी बात यह है कि अभी जो घटना हुई, उस घटना की जिसकी बात कर रहे थे उमर अब्दुल्ला, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से देखा जाए कि ये उसी माहौल का रिटेलिएशन है कि चुनाव के बीच में किस तरह से दिक्कत पैदा की जाए। और जो अब वहाँ बदला हुआ कश्मीर है, जाहिर सी बात है वो बहुत ही अलग है पहले से। पहले जिस तरह की बातें होती थी, चाहे आतंकवादी गतिविधियों की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो लाल जो वहाँ लाल चौक है जहाँ पर यहाँ की फोर्स, यहाँ के तमाम लोग, यहाँ की जनता आराम से नहीं पहुँच पाती थी, वहाँ पर झंडा भी फहराया गया इस बार। तो माहौल तो बदल दिया है बीजेपी ने। अब लोगों के मनों में कितना माहौल बदला है, क्योंकि कश्मीर की समस्या दूसरी है। वो ये नहीं चाहते हैं, बहुत से कश्मीरी अगर आप जाएंगे बाहर तो वो ये नहीं चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में जाएं, वो ये नहीं चाहते कि भारत में जाएं, वो चाहते हैं कि हमको अलग छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो दोनों तरफ से परेशान है। तो उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो समस्याएं अगर एड्रेस होती हैं तो उसका असर दिखेगा और उसका ही फायदा सियासी पार्टियों को मिलेगा। और ये जब तक दूर नहीं होगा तब तक शायद जो चुनाव होगा उसमें नंबर्स के आधार पर फैसला तो हो जाएगा, लेकिन जो कनेक्ट होता है जनता का वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो शिवेंद्र, अब चौथे चरण के बाद अब बीजेपी के लिए साउथ की सारी सीटों पर आज चुनाव खत्म हो जाएगा, तो बीजेपी के लिए जो टफ ग्राउंड है वो आज खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हिंदी हार्टलैंड और बाकी बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा में चुनाव होंगे। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें कुछ कम होंगी? और अब देखिए, अभी साफ तौर पर कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शुरुआत के जो तीन चरण हुए उनमें मिक्स सीट्स थी, नॉर्थ की भी थी। नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि आज के इस चरण के बाद अब तस्वीर कुछ कुछ साफ होनी शुरू हो जाएगी? देखिए, ये तो तस्वीर साफ है कि जिस तरह का नारा 400 को दिया जा रहा है वो उतना आसान नहीं है। अभी तीन चरण के मतदान बाकी हैं, कोई चमत्कार हो जाए, कोई एकदम बदलाव हो जाए, बात अलग है। आज भी बहुत ओवरवेलमिंग नतीजे नहीं है कि बहुत अच्छा ही वोटिंग हो गई है, और वोटिंग परसेंटेज पहले से ही बहुत कम रहा है। तो ये किस तरफ जा रहा है वोटर, ये कौन वोटर है जो निकल नहीं रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो माहौल अभी बताता है वो साफ तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को थोड़ा नुकसान तो हो रहा है, भले ही वो अपनी रणनीति के तहत और अपने बयानों और तमाम नई आगे की स्ट्रेटजी के तहत तीन फेज में और बहुत सारी चीजें रिकवर करें, लेकिन फिर भी इतना आसान चुनाव दिखता नहीं है। चलिए, तो रतीश से भी जरा इस बारे में पूछे थे। रतीश, अब आपको लग रहा है कि कुछ पिक्चर अब क्लियर होगी अब इस चरण के बाद? शिवन जी कह रहे थे कि साफ तौर पर कहना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये 400 का नारा जो है वो पहले फेज के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जबान से ही गायब हो गया था, क्योंकि उन्हें भी एहसास हो गया कि 400 पार का नारा फिजिबल दिखता नहीं है, ग्राउंड पर दिख नहीं रहा है। और फिजिबिलिटी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी 80 में 80 का नारा नहीं दिखता है। मैनपुरी की सीट को आप क्या कहेंगे, घोसी की सीट को आप क्या कहेंगे, आजमगढ़ की सीट क्या कहेंगे, रामपुर की सीट क्या कहेंगे, इन सभी सीटों पर, और जो आज की सीटें हैं उन सीटों पर आप क्या कहेंगे। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर एनडीए गठबंधन के, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं और जीतने की स्थिति में है, और कई जगह अच्छी फाइट दे रहे हैं। तो 80 में 80 नारा नहीं पूरा होने जा रहा उत्तर प्रदेश में, और अगर 80 में 80 नारा उत्तर प्रदेश में पूरा नहीं हो रहा है तो फिर 400 पार का नारा देश में आसान तो नहीं लगी शिवेंद्र। और इस बार आज का दिन एक चीज के लिए और खास है कि हर बार हमारे पास ये रहता था कि गर्मी बहुत थी इसलिए वोटर्स नहीं निकले, अब शाम तक जो वोटिंग परसेंटेज आएगा उससे हम उसका आकलन कर पाएंगे कि किस तरह के नतीजे देखने को मिल सकते हैं, एक आकलन आदमी कर पाएगा, क्योंकि आज ये बहाना भी नहीं रहेगा कि गर्मी इतनी थी इसलिए। आज बहुत सारी जगह पर मौसम काफी सुहाना रहा, यहां तक कि महाराष्ट्र में भी आज मौसम अच्छा रहा। तृप्ति से एक क्लोजिंग कमेंट लेते हैं शिवेंद्र, पूछते हैं उनसे कि अब किस तरह का हाल है वहां पर, किस तरह का माहौल है और कितना वोटर टर्नआउट दिख रहा है उनको अभी तक? शायद तृप्ति से हमारा संपर्क टूट गया है। तो शिवेंद्र, अब आज शाम तक ये पता चलेगा कि कितना वोटिंग टर्नआउट था आज और कितने वोटर्स बाहर निकले, जो अभी तक उदासीनता दिख रही थी अब समझ में आएगा इस चरण के बाद कि लोगों में कुछ उत्साह बढ़ा है या अभी भी वही ठंडापन है। बिल्कुल, देखिए आज के जो वोटर टर्नआउट है उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर इसलिए हो जाएंगी कि अगर लोग जो ये बात कर रहे हैं कि मौसम की वजह से नहीं आ रहे हैं, तो फिर जो इसको कहते हैं आज ये रिजल्ट दिखना चाहिए, असर दिखना चाहिए कि मौसम अगर ठीक हुआ है तो परसेंटेज भी बढ़ना चाहिए, और अगर कोई और वजह है तो आज भी वैसा ही माहौल रहने वाला है, क्योंकि वो फिर तो मौसम की वजह से नहीं है, यानी कि लोग वोट देना नहीं जाना चाहते अपनी किसी भी जो भी उनकी पसंद की पार्टी है उसको वोट नहीं देना चाहते या घर से ही नहीं निकलना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि
आज जो वो लोग हैं वोट देना चाहते हैं, तय करना चाहते हैं, वो घर से बाहर निकले जरूर, निकल करके अपना वोट दें ताकि कम से कम ये जो आंकड़ा है वो बढ़ सके और लोगों के अंदर उत्साह भी आ सके। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने पिछली बार कही थी वो मुझे बहुत पसंद आई कि भाई ये अफसोस करने के लिए ना रहे 5 साल की, अगर हमने वोट दे दिया रहता तो शायद हम अपने मन के उम्मीदवार को चुन पाते। तो चलिए फिलहाल के शो में बस इतना ही, बाकी खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे शाम को और आपको बताएंगे इलेक्शन से जुड़े सारे अपडेट्स। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए शेष भारत। ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं लेकिन आगे कैसे बढ़ा जाए? होस्टिंग करके मैनेज WooCommerce होस्टिंग के साथ जटिल सेटअप को कहें अलविदा और आज ही अपना बिजनेस शुरू करें। ये है तो एक ई-कॉमर्स होस्टिंग, लेकिन इसमें है अधिक। हमारे AI कंटेंट क्रिएटर के साथ मिनटों में अपनी साइट पर सर्च फ्रेंडली कंटेंट और विशेष प्रोडक्ट विवरण पोस्ट करें आसानी से। रूपांतरण दर बढ़ाकर अपनी बिक्री में वृद्धि लाएं। ये है बिजली सी तेज पेज लोडिंग स्पीड का कमाल। चाहे आपके पास एक प्रोडक्ट हो या हजारों, आपकी उन्नति